ओडिया पुअर हृदय ठाकुर सारा विश्व विदित से कोटी कोटी भक्त समागम हुए एमती एक जत्रे जहा विश्वर एक बड़ जात्रा रथ जात्रा ओडिशार सुख समृद्धि लालायित हो बहु राजा महाराजा और सम्राट एहाको निज अधीन को आनीथिले सेमानक मध्यरु मोगल और मराठा माने अन्यतम परे परे ब्रिटिश सरकार ओडिशा को निज शासन अधीन करिथिले निष्ठुर ब्रिटिश मानक शासन में अतिष्ठ थिला एई ओडिया पुओ तेणु से आरंभ कला ब्रिटिश सरकार विरुद्ध रे भीषण विद्रोह जहां पाइक विद्रोह नाम ख्यात एई विद्रोह नेतृत्व नहीं ओडिया वीर बक्सी जगबंधु एई विद्रोह रे अनेक पाइक शहीद होइगले सत किंतु शेषरे ओडिया पाइक मानंकर वीरत्व और साहस आगरे ब्रिटिश सरकार मुंड नुआ पाई बाध्य हला क्षणिक सब किछि जेमिति शेष होइगला जहा एबे भी मनरु भूली हुए नी से दिन थिला 1999 मसीहा अक्टोबर 29 तारीख सर्वग्रासी प्रलयंकारी महावात्या ओडिशा को कला क्षत विक्षत नष्ट हेला बहुत धन जीवन बास हरहले अनेक लोक सृष्टिर नियम भी बड़ विचित्र प्रत्येक आरंभर एक शेष थाए आ प्रत्येक शेषर थाए एक नुआ आरंभ एक नुआ सूर्योदय ओडिशारे हेला एक नुआ सूर्योदय मुख्यमंत्री भाव अधिष्ठित हेले श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक जहां नेतृत्व में ओडिशा एवं उन्नतिर पथरे आगे चली सम्राट अशोक से चंडाशोक परिवर्तित होइगले धर्मशोक सत्य अहिंसा थिला जहांक परम धर्म बौद्ध धर्म रे दीक्षित होइ मानव समाज रे हित पाइ निजको उत्सर्ग करिदेले जहांकर मूल मंत्र थिला बुद्धं शरणं गच्छामि निच्छक उदाहरण आमर धौलीगिरी महामेघ बाहन ऐर खारवेड़ कलिंगर जड़े सुशासक राजा थे राजत्व काल आरंभ होता आउ एक नुआ जुगर जड़े धर्म प्रचारक भाव से जैन धर्म प्रचार और प्रसार कर मुकसाखी हो आमर खंडगिरी उदयगिरी जहार कोणी अनुकोणी लिपिबद्ध हो जैन धर्म वैशिष्ट आम ऐतिह आम कीर्तिराजी ओडिशा को करी गौरवान्वित विश्व दरबार में ओडिशा एक मुख्य पर्यटन स्थली भाव स्वतंत्र स्थान अधिकार कर यार बरिष्ठ उदाहरण लिंगराज मंदिर अर्क क्षेत्र कोणार्क मंदिर मुक्तेश्वर मंदिर और 64 जोगिनी मंदिर
श्रीक्षेत्र पलटि जाइछि एक पुण्यभूमि। से पुण्यभूमि रे अवस्थित आमर जगन्नाथ मंदिर। श्रीक्षेत्र विराजमान श्री जगन्नाथ श्री